किसान भाइयों, आज हम लोग करेले की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि करेला एक महत्वपूर्ण वेजिटेबल का फसल है और एक कुकुरबिटेसी परिवार का आता है, तो हर घर में करेले की सब्जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो करेले की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ की जलवायु इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। छत्तीसगढ़ में हम लोग तीनों ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, चाहे ठंड का ऋतु हो, चाहे गर्मी का ऋतु हो, चाहे बारिश का ऋतु हो, तीनों ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और चूंकि ये फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे घरों में इसकी खेती की जाती है, चाहे बाड़ी में देखा जाए बाड़ी में की जाती है, किसान भाई व्यापक रूप से भी यहाँ की इसकी खेती कर रहे हैं खेतों पर, और इसको खेती करके बाहर भी किसान भाई लेकर इसको बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो करेले की जो खेती है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसानी से यहाँ पर की जा सकती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे घनश्याम, वो तो सकुल गए हैं। सकूल गया है? अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार्ड को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, ठंड दिनों दिन बढ़ रही है और इस ऋतु परिवर्तन का जितना प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है, हमारे पालतू पशुओं पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए शीत ऋतु में पशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इस ऋतु में पशु ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, इसलिए उनके होने वाली बीमारियों से उन्हें कैसे बचाया जाए इस विषय पर, और शीत ऋतु में पशुओं की देखभाल कैसे करें इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। विषय के संबंध में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पशु चिकित्सालय फिंगेश्वर से पशु सहायक शल्यक डॉक्टर कोमल चंद्राकर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि पशु चिकित्सा से संबंधित, पशु को होने वाली बीमारियों से संबंधित और उनके देखभाल से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैम, ऋतु परिवर्तन का हमारे पालतू पशुओं की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, अभी जैसे ठंड का सीज़न आया है जी, और सामान्यता देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो चार महीने रहते हैं वो ठंड के होते हैं जी। तो जिस प्रकार से हम इंसान अपना एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उसी तरह से पशुओं को भी अतिरिक्त एक केयर की जरूरत होती जी, है जी, जी, जी। तो अगर हम वो ध्यान नहीं रखेंगे तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है जी, जी। जो पशु का जो प्रजनन क्षमता है उस पर भी असर
पड़ सकता है जी जी। और जो बीमारी है, जो ठंड में बहुत सारी बीमारियां हैं जी जी, वो जो है पशुओं को घेर सकती है जी। तो जी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि न सिर्फ अपना, हमें अपने पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए जी। तो मैडम फिर शीत ऋतु में पशुओं की विशेष देखभाल किस तरह से करना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है उन्हें? हाँ जी मैम, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। जो एक्स्ट्रा केयर है उसमें हमें सबसे पहले तो जैसे ठंडी हवा चलती है ठंड में, अभी थोड़े दिनों बाद बहुत ठंडी हवा चलने लगेगी, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ठंडी हवा है वो डायरेक्ट पशु शेड में ना जाए। अच्छा, उसके लिए ये कर सकते हैं कि कपड़े को लगा लें पशु शेड में, या पॉलीथीन लगा सकते हैं जी जी। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पैक कर दीजिए जी जी। उसके बाद क्या होगा, अगर आपने पैक कर दिया तो अंदर में कुछ गैस है जो उत्पन्न होने लगेंगे, जैसे सफोकेशन से जो पशु है वो बीमार पड़ सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पैरे को बिछावन के रूप में भी आप बिछा सकते हैं जी जी। तो फर्श के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा फर्श, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है। हाँ, और इसके अलावा जैसे हम स्वेटर पहनते हैं वैसे ही पशुओं को भी आप स्वेटर पहना सकते हैं। उसके लिए आप सामान्यता देखे होंगे बड़े बड़े डेयरी फार्म में जो बोरे को स्वेटर के रूप में पहनाया जाता है। अच्छा। बांध दिया जाता है पशुओं के पीठ पर जी। हाँ, खास करके बछड़े बछिया जो होते हैं उनको जी जी, तो उनको जो हमारे किसान भाई हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है पशुओं को हम ठंड से बचा सकते हैं जी जी जी। मैम शीत ऋतु में पशुओं के खान पान में क्या परिवर्तन होना चाहिए, किस तरह का खान पान हो, क्या उन्हें खाने को देना चाहिए? जी, खान पान में जैसे सबसे पहले मैं पानी के बारे में बताना चाहूंगी जी। जो पानी रहता है अभी बहुत ठंडा होता है, तो ठंडे पानी को आप डायरेक्ट ना दें जी जी। जिस भी सोर्स से, एक साथी का फोन है पहले सुन ले। हेलो, हमारा संपर्क कट गया है, आप अपनी बात जारी रखें। जिस भी जैसे अगर हम डायरेक्ट जिस सोर्स से पानी लेते हैं, चाहे वो ट्यूबवेल हो या कुएं से हो जी जी, तो जिस भी सोर्स से हम पानी लेते हैं अगर वो डायरेक्ट सोर्स से लेके पानी दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि अच्छा। उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा जी जी। और अगर आप सुबह से रखा हुआ पानी दे रहे हैं तो वो ठंडा हो जाता है, तो वो पशुओं के लिए ठीक नहीं है जी जी। या ये भी कर सकते हैं कि धूप में रख दिए पानी। साथी का फोन है, हेलो 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 हेलो। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिरोपाना बेमेतरा भुवनदास जांगड़े बोल रहा हूँ। जी जांगड़े जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहिब को भी नमस्कार। नमस्ते, पूछिए। मेरा सवाल है, जैसे ठंड के मौसम में मवेशियों का जो दुधारू मवेशी होता है उनका थन फट जाता है और उसको दूध निकालने में काफी परेशानी होती है, दर्द करते हैं, तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा। और मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे ठंड के मौसम में हम लोगों को सर्दी खांसी भी पकड़ता है, वैसे क्या मवेशियों को भी सर्दी खांसी पकड़ते हैं क्या ठंड के मौसम में? अगर सर्दी खांसी होगा मवेशियों को तो उनके बचाव कैसे करना चाहिए? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ठंड के समय में सर्दी खांसी जो मवेशियों को भी हमारी तरह होता है, नाक से आँख से पानी बहने लगेगा, सुस्त हो जाएगा जो पशु है, तो आप बचाव के तौर पे सबसे पहले तो जो मैं अभी बताई थोड़ी देर पहले ही कि क्या क्या करना चाहिए कि पशु को जो है ठंड ना लगे, कि किस तरह से आपका पशु शेड को आपको ढक के रखना चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन उसके बाद भी अगर पशु को हो गया है जो सर्दी खांसी है, तो आप जो है अपने जो पशु चिकित्सालय है, निकटतम पशु चिकित्सालय है, वहाँ पे जरूर संपर्क करें, क्योंकि एक पशु चिकित्सक के द्वारा ही आपके जो जानवर को देख करके फिर उसके द्वारा सलाह दी जाएगी कि कौन सी दवाई उसके लिए उपयुक्त होगा। फिर भी घरेलू तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे गुड़ है, सौंठ है, ये सब आप गर्मी प्रदान करता है शरीर को, तो ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। और थन अगर फट रहा है जैसे आपने कहा था, उसके लिए भी मैं कहूँगी कि आप पशु चिकित्सक को की सलाह लें कि थन फट रहा है वो आपका कहना है, लेकिन कई बार वो कुछ दूसरी बीमारी भी होती है, तो अगर जब पशु चिकित्सक देखेगा तो ही आपको सही सलाह दे पाएगा कि एक्चुअल में वो क्या है। जी, जी, हो सकता जी। है उसको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत हो, तो इसलिए आप जरूर अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करेंगे। जी जी जी।
मैम, हम चर्चा कर रहे थे कि उनको क्या खान पान देना चाहिए शीत ऋतु में पशुओं को, जो सुपाच्य हो और उनकी सेहत के लिए अच्छा हो। हाँ जी, जो खा पीने के बारे में, जैसे मैंने पानी के बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। खाने के बारे में बताना चाहूँगी कि अभी ठंड के समय में बरसीम है या जो भी हरी घास है बहुत ज़्यादा होती है, तो किसान ये सोचते हैं कि हरी घास है तो बहुत। मैम पहले एक और साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो, हमारा संपर्क फिर कट गया है, आप अपनी बात जारी रखें। तो किसान भाई ये सोचते हैं कि हरी घास है, जितना ज्यादा हो सके हम खिला देते जी, हैं जी। पर कोई भी चीज ज्यादा देना सही नहीं जी। हाँ। अगर आप ज्यादा उसे हरी घास खिलाएंगे तो बहुत ज्यादा गैस उत्पन्न होगा, जिसे अफरा रोग भी कहते अच्छा, हैं अच्छा। हाँ, ज्यादा गैस उत्पन्न होगा और पशु की मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा अच्छा, तो आपको एक बैलेंस डाइट खिलाना है, मतलब कि आप हरी घास भी दीजिए, थोड़ा सूखा चारा भी दीजिए, कंसंट्रेट जिसे दाना कहते हैं वो भी दीजिए। तीनों का मिश्रण जब आप देंगे तभी जो है आपका पशु ठीक रहेगा। जी, जी। हर चीज एक्सेस में नहीं देना है जी, जी। बल्कि आपके पास अगर ज्यादा हरी घास है तो उसे बचा के आप उसको मतलब धूप में सुखा के रख ले, ताकि गर्मी के सीजन में आप उसको उपयोग में ले सकें। जी जी मैम, जो गाभिन होती है मादा, उनका किस तरह से विशेष देखभाल करना चाहिए शीत ऋतु में? जी, जो गाभिन पशु होता है, गाभिन पशु का जो एक है कि आप दूसरे पशुओं से उसे अलग कर दें। अच्छा। इसे तो हर ऋतु में आपको करना चाहिए, क्योंकि जब पशुओं में लड़ाई होती है तो उसे जो बच्चे को है, गाभिन पशु का बच्चा है जी, जी। उसे नुकसान हो सकता है जी, हाँ, जी। तो उसे सबसे पहले तो आप अलग कर दें जी, जी। और इसके अलावा जब आप वो अलग से जब रहेगी, तो जब मैंने बताया कि पैरे को बिछा दें, क्योंकि डायरेक्ट वो जमीन में बैठेगी तो ठंडा उसके जो शरीर को लगेगा जी जी जी। उसके अलावा जब जो उसका है कि ब्याद का समय है, हाँ हाँ। उसके 2-3 दिन से जो भी पशुपालक भाई हैं जी जी। उनको ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए कि वैसे तो अपने आप ही बच्चा बाहर आ जाता है जी जी। पर कुछ सिचुएशन में थोड़ी मदद करनी पड़ती है जी जी। तब थोड़ी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जोर से आप खींचेंगे। अगर लग रहा है कि बच्चे को बाहर आने में तकलीफ हो रही है तो आप तुरंत पशु चिकित्सक को बुला लें जी जी जी। अपने से खींचना नहीं है जी जी जी। उसके अलावा जब बच्चा हो जाए तो उसे भी आप, मैं यही कहूंगी, गुड़ और सौंठ है वो दें, क्योंकि उससे गर्मी आएगी शरीर को, बॉडी बहुत वीक हो जाता है जो गाभिन पशु थी जी उसका जी जी। तो वो आप उसको खिलाएंगे तो उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगा जी जी। ये हमने बात की गाभिन पशु की या मादा पशु की। जो बच्चा जन्म लेता है, वो नवजात वत्स जो होता है, उसकी क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए? जी मैडम, वो जो नवजात बच्चा रहता है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, उसमें जो नवजात बच्चे रहते हैं उसे कोलोस्ट्राम पिलाएं। अच्छा। मैं सभी जो पशुपालक भाई हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जो गाय का जो पहला दूध होता है, कोलोस्ट्राम जो बोलते हैं इंग्लिश में, उसे आप जरूर पिलाएं, क्योंकि उससे एक इम्यूनिटी आती है, ताकत आता है, तो जो भी रोग है उससे बचा जा सकता है। उसके अलावा जो बीमारी, जैसा कि आपने कहा है, तो जो बीमारी जनरली देखा गया है वो है नाभि सड़ने का, नेवेलिल बोलते हैं जी जी। नाभि सड़ने में क्या होता है, नाभि के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में चला जाता अच्छा। है जो जो भी बछड़ा या बछिया है जी। हाँ, उसके तो नाभि के पास सूजन हो जाता है, पस आने लगता है जी। और कभी कभार वो एक हफ्ते में ही जो बच्चा है उसकी मृत्यु भी हो जाती अच्छा, है अच्छा। तो इसके लिए एक केयर है जो कर सकते हैं, वो ये है कि जो गाभिन पशु को जहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे ब्याथ होने वाला है जी, जी। वो जगह साफ होना चाहिए अच्छा। अगर साफ होगा तो वो जो बैक्टीरिया जिसके बारे में मैंने कहा, वो बैक्टीरिया वहाँ पे रहेगा ही नहीं, और वो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, जी जी। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं जी। मैडम, शीत ऋतु में पशुओं को जनरली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं प्रमुख रूप से, और उससे बचाव के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? जी, जैसे कि अभी जो एक कॉल आया था, मैंने बताया था अफरा रोग वगैरह। अफरा रोग है वो होता है निमोनिया, सर्दी खांसी, और ये जो FMD खुरहा चपका जो कहा जाता है, जी, 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 ये भी इसी सीजन में देखने को मिलता अच्छा, है। अच्छा अच्छा, तो इसका क्या लक्षण रहता है और किस तरह से इससे बचाव किया जाए? जो खुरहा चपका है उसमें देखा गया है कि जैसे खुरहा में नाम है खुर जी, जी। तो खुर में जो है घाव हो जाएगा अच्छा। हाँ, और छाले जैसा मुंह में भी छाला हो जाता जी, है जी, जी, तो जी। उस मैं पहले एक साथी के फोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? तो ये दूरदर्शन रायपुर से बोल रहे हैं ना? जी जी।
आप अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं ग्राम मुखेतरा थाना आरंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये जैसे गाय में वो लार लार आता है और गीला पेचिस होता है। जी मैम समझ पाई। लार आता है और आगे आपने क्या कहा? पेचिस हो जाता है। हाँ। जी जी, लार आ रहा है, पेचिस आ रहा है, पेचिस हो रहा है, तो सबसे पहले डीवॉर्मिंग, मतलब कि हो सकता है पेट में कीड़े हो गए हों, तो पेट में कीड़े का इलाज कराना पड़ेगा आपको। उसके लिए कुछ गोलियां भी आती है, जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, एल्बेंडाजोल, लेकिन ये गाभिन पशुओं में नहीं देना है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो नॉर्मल है उसमें एल्बेंडाजोल का टेबलेट आता है, वो आप दे सकते हैं। जी जी मैम, हम बात कर रहे थे कि शीत ऋतु में प्रमुख रूप से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव कैसे किया जाए। जी FMD मतलब खुरहा चपका के बारे में हम बात कर रहे थे, जो जी जी। उसमें जो उसका लक्षण मैंने बताए थे कि छाले पड़ जाते हैं मुंह पे, जी, जी, और मुंह से उसमें भी लार आने लगता है, बुखार हो जाता है, जी जी, और जो दूध उत्पादन है वो भी कम हो जाता है। जी जी, तो इसको जैसे ही इस टाइप का लक्षण दिखे तो ये कर सकते हैं कि जो पशुपालक हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट का एक आता है, जी जी, किसी भी मेडिकल स्टोर पर कहीं भी मिल जाता है, तो उसे आप पानी में घोल के जो जगह में लक्षण दिख रहा है वहाँ पे पहले तो साफ कर लीजिए। जी जी जी। उसके बाद में वहाँ पे आप घी लगा सकते हैं या ग्लिसरीन लगा सकते हैं। जी जी। ये है प्राथमिक उपचार जो तुरंत आपको करना चाहिए। जी जी। और फिर ज्यादा आगे के लिए आपको तो अपने पशु चिकित्सक को बुलाना ही है, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट्स है, कुछ दवाई है, इंजेक्शन है जो उन्हें लगानी पड़ेंगी, वो पशु चिकित्सक के द्वारा किया जाएगा। जी जी। इसके अलावा मैं वैक्सीनेशन के बारे में भी बताना चाहूंगी कि अभी जो ठंड में अभी आप किसी भी पशु चिकित्सालय या औषधालय या कृत्रिम गर्भधान केंद्र में चले जाइए, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में ये खुरहा चपका का वैक्सीनेशन चल रहा है। जी 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 जी, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी सारे पशुपालक भाइयों को जी। कि अगर किसी का भी जानवर अगर छूट गया है वैक्सीनेशन से तो वो खुद जाके संपर्क करें। वैसे तो विभाग के द्वारा घर में जाके हर एक घर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी फ्री में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, शासन की और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए या पशुपालकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हैं? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगी जैसे अनुदान पर कुक्कुट पालन योजना है, और अनुदान पर सुकरत्रय योजना, उन्नत मादा वत्स्य पालन योजना, जी जी जी, ये सब योजना है। जी, तो ये उन्नत वत्स्य पालन योजना जो आपने बताई ये क्या है और इसका लाभ कौन ले सकता है? उन्नत मादा वत्स्य पालन योजना में जो ऐसे किसानों के लिए यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चालू की गई, जो कि छोटे किसान हैं या सीमांत किसान बोलना चाहिए या भूमिहीन है, जी जी। तो ऐसे किसान जिनके यहाँ 4 से 24 माह की बछिया है जी। और जो कृत्रिम गर्भधान से ही उत्पन्न हुई, अच्छा, है अच्छा। हाँ, उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाता है जी जी। और उनके भरण पोषण के लिए इसमें पशु आहार प्रदान किया जाता जी है जी। और इसका लाभ जो अनुसूचित जाति जाति और सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग कोई भी इसके हितग्राही हो सकते हैं जी जी। और इसमें क्या होता है, हम ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं पशु चिकित्सक और हितग्राही के बीच में, अच्छा। और इसमें अंशदान राशि के रूप में पहले हम जो हितग्राही होता है अगर वह सामान्य और अनपिछड़ा वर्ग से है तो उससे 5,000 रुपए लेते हैं, अच्छा। और 2,000 रुपए अगर वह अनुसूचित जाति और जनजाति का है तो उनसे अंशदान राशि के रूप में लिया जाता है जी जी। उसके बाद जो बाद में है गवर्नमेंट के द्वारा जो सारा जो हो जाता है उसके बाद उसमें अकाउंट में पशु आहार खरीदने के लिए उनके पैसे आते हैं, करीब 20,000 का जो है पशु आहार हाँ मिलता है, तो वो फिर बाद में जो है किसानों को दिया जाता है जी जी जी। और ये जो आपने बैकयार्ड कुक्कुट या इकाई का जो योजना बताई है ये क्या योजना है? ये बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के तहत में इस योजना को चालू करने के लिए मतलब ये मनसा था कि जो अंडा उत्पादन है, अच्छा, और अच्छा। मांस उत्पादन है जी, वो जी। यहाँ बढ़ाना है छत्तीसगढ़ में, इसके लिए यह योजना चालू की गई। और इसमें जो हितग्राही होते हैं वो भी कोई किसी भी वर्ग के हो सकते हैं जी। और इसमें 45 रंगीन चूजे हम देते हैं, अच्छा। 45 रंगीन चूजे जो है दिया जाता है हितग्राही को चयन के बाद में जी। और अंशदान राशि के रूप में इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो किसान होते हैं उनसे 300 रुपए, अच्छा। और सामान्य और अनपिछड़ वर्ग के
किसान से 750 रुपए लिया जाता है। जी 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 मैम, एक आपने और योजना बनाई शुकर त्रयी योजना। हाँ। इस योजना का क्या लाभ है, किस तरह से इसका लाभ हमारे किसान भाई ले सकते हैं? जी, शुकर त्रयी योजना जो है उसमें क्या, एक एक जो है नर शुकर और दो मादा शुकर, मतलब तीन का एक सेट बोलना चाहिए, तीन का ये होता है। इसमें भी हम पहले हितग्राही का चयन करते हैं, जब उनका नाम अनुमोदन हो जाता है जनपद से, जब उनका नाम फिर आ जाता है सेलेक्ट होके कि हाँ भाई इसी किसान को देना जाना, तो अब उनके कहते हैं कि अब आप जो है जो सुकर त्रय में जो तीन सुअर है, जी जी, दो मादा और एक नर, अच्छा, वो खरीदते हैं जी। फिर हम उनको वेरीफाई करते हैं, फिर जब सही में जब हम बिल वगैरह जब उनका आगे बढ़ाते हैं, वो जब वेरीफाई हो जाता है कि सच में जो है पशुपालक ने खरीदा है जी 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 सुअर, हाँ। उसके बाद में उनके अकाउंट में 9,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है जी जी। इसके लिए कोई ऐसे विशेष बताना चाहूंगी, किसान लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, मैडम आते हैं हमारे पास, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस एक जो फॉर्म हमारे तरफ से दिया जाएगा वो और आधार कार्ड, बस इसमें उसके बाद उनका फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। जी जी, ये बहुत अच्छी योजना है, इनका लाभ हमारे किसान भाइयों को लेना चाहिए, खास करके पशुपालकों को। हाँ। मैम एक और समस्या हमने देखी कि ठंड के दिनों में पशु खाना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, इसका वजह क्या है और इसका क्या उपाय है? जी, खाना बहुत सुनने में आता है कि मैडम हमको भी कॉल आते रहता है कि मैडम खाना बंद कर दिया है पशुओं जी, ने जी। ये बहुत देखा जाता है अभी। उसका ये कारण है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अफरा रोग के बारे में जी, कहा जी। था, इसमें ये होता है कि जो किसान सोचता है कि हरा चारा खिलाना है। पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं प्रेम मरकाम बोला था, कनारपुरी से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मोर यहाँ बकरी के बच्चा है मेरा, दो तीन बकरी के, उनको क्या है नाक में पानी आता है, मतलब सर्दी हो गई। जी हाँ, तो ओकर का उपाय करना है, का दवाई देना है, ये बच्चा देना पड़ी या ऊपर माल देना पड़ी? अच्छा जी, बच्चे को सर्दी हुआ है, बच्चे को सर्दी। बच्चे के उससे नाक से पानी और निकल रही, सर्दी होती है निकलता ना वैसे देख के, तो का उपाय करना पड़ी? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ठंड का समय है तो सर्दी तो देखने को मिलेगा ही, और वो भी खास करके बच्चा है, तो इम्यूनिटी जो रहती है वो बहुत ही कमजोर रहती है, तो जो मैंने ठंड से बचने के लिए उपाय बताए हैं वो तो आपको करना ही है, और इसके साथ में आप जो अपने पशु चिकित्सालय है वहाँ जरूर संपर्क करें, क्योंकि वो बच्चे का जो वेट है ये सब देख के आपको उसके लिए दवाई दी जाएगी जी, क्या दवाई है उसके लिए देना उपयुक्त होगा, वो पशु चिकित्सक के द्वारा ही देखने के पश्चात निरीक्षण के पश्चात ही बताया जाएगा जी, जी। लेकिन आप साथ में जो मैंने उपाय बताए हैं ठंड से बचाने के लिए वो आप कर सकते हैं, ताकि इस टाइप का सिचुएशन आगे ना हो। जी जी मैम, हम बात कर रहे थे कि पशु ठंड के दिनों में खाना छोड़ देते हैं, इसकी वजह क्या है? जी, ठंड के दिनों में जो खाना वही हरा घास अगर ज्यादा खा लेता है जो पशु होता है, तो गैस बहुत ज्यादा पेट में बन जाता अच्छा। है, जिसे इनडाइजेशन या अपच कह सकते जी, हैं जी, हाँ। तो उसके कारण वो उसके बाद उसके आप कुछ भी खाना दो या पानी दो वो बिल्कुल खाएगा ही नहीं, देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसका पेट में बहुत ज्यादा गैस उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक तो जो मैंने बताया कि पूरा बैलेंस करके जो खाना देना है वो दें, और इसके अलावा आप ये भी ध्यान दें कि थोड़ा पशुओं को घूमने के लिए धूप में निकालें, थोड़ा एक्सरसाइज होगा जी, जी, तो बॉडी में गर्मी उत्पन्न होगा जी, 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 तो ये प्रॉब्लम से जी। कोमल मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे, अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।